पूरा फोन ही डेड हो गया, ड्रोन भी खराब हो चुका है, मेरा जो गोप्रो है वो भी खराब हो गया है। 2023 मेरा अच्छा नहीं जा रहा है। शायद मुझे घर आए हुए पूरा 10 दिन या 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने घर पे एक भी ब्लॉग नहीं बनाया है। सो इज वेलकम बैक टू द ब्लॉग। पूरे दिसंबर में मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मेरे को घर जाना है या नहीं, वो भी जनवरी पे, मतलब न्यू ईयर पे। और न्यू ईयर होते ही, मतलब 2-3 दिन पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को तो जाना है। और आज देखो, और 2-3 दिन के अंदर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरा टिकट ऑलरेडी हो चुका है। तो घूमना फिरना, पिकनिक वगैरह सब कुछ किया, बहुत ज्यादा मजा आया। और अभी मेरा टाइम पूरा आ चुका है, यहाँ से जाना पड़ेगा। बाकी गए जी, हम आ गए हमारे पुराने छत के ऊपर। बाकी इस छत को कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से ही तो शुरुआत हुआ था। मतलब काफ़ी सारे वीडियो सिर्फ यही आके मैंने बनाए थे लॉकडाउन के टाइम पे, काफ़ी टाइम हो गया। और पता नहीं आपका 2023 कैसा गुजर रहा है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा कुछ खास, मतलब एंजॉय तो कर रहा हूँ, लेकिन नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले जो नुकसान हुआ ना, वो मेरा फ़ोन का था। लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है। और हो, मतलब देखो किस्मत भी देखो, सबसे पहले उसका कैमरा गया, तो मैंने सोचा चलो कैमरा नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो 2-3 और कैमरे है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। कैमरा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पहले फ्रंट कैमरा गया, फिर मैं वाइड एंगल बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, फिर वाइड एंगल भी चला गया, और उसके बाद पूरा फ़ोन ही डेड हो गया। जितने भी पोको X3 मॉडल है सब में ये दिक्कत आ रहा है। उसमें कोई चिप है जो कि काफ़ी लो क्वालिटी का है, जिस वजह से वो फ़ोन ख़राब हो रहा है। चलो ये तो मैंने बात कर लिया फ़ोन के बारे में, अभी बात करते हैं मेरे ड्रोन के बारे में। ड्रोन भी ख़राब हो चुका है, आप यकीन नहीं करोगे। मतलब पिछले 6-7 महीने से मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। मेरे छोटे भाई ने उसको एक बार यूज़ किया था, और उसका गलती है या मेरा गलती है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है उसका जो कैमरा होता है ना, तो वो एक गिम्बल पर बैठा रहता है, और उसने शायद उस कैप को ठीक से नहीं लगाया, जिस वजह से शायद हो गिम्बल स्टॉक हो गया। अभी ड्रोन तो उड़ रहा है लेकिन गिम्बल काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से स्टेबल फुटेज नहीं आ रहा है। लास्ट वीडियो में भी मैंने डाला था, मतलब कैसे हो अनस्टेबल फुटेज आ रहा है। मैंने सोचा था यहाँ पे जितने भी मतलब पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे घूमने के लिए जाऊँगा और ड्रोन से लगा के मस्त मस्त वीडियो निकल के लाऊँगा। ये मेरा मतलब बहुत मज़ा आता है इसमें मेरे को, तो वो सारे चीज़ नहीं हो पाए क्योंकि ड्रोन तो ख़राब है। वहाँ पे जाके मैं एंजॉय तो कर पाऊँगा, लेकिन वीडियो वगैरह जो ड्रोन शॉट होता है ना, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, वो चीज़ तो नहीं निकल पाऊँगा। इस वजह से वहाँ पे जाने का प्लान भी मैंने कैंसिल कर दिया। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ उसमें क्या दिक्कत आ रहा है। देखो इसका जो एक कैप है ना, ये वाला एक कैप, अगर आप सही से ना लगाओ तो दिक्कत हो सकता है। मेरे को लगता है मेरे छोटे भाई ने जिस वक्त इसको यूज़ किया था तो उसने इस कैप को सही से ना लगाया, जिस वजह से इसके अंदर जो गिम्बल है वो थोड़ा सा स्टॉक हो गया, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, मतलब घर बैठे बैठे। तो बहुत सारे वीडियोस में ऐसा ये हाथ से इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाते हिलाते ठीक करना है, नहीं तो एयर प्रेशर में इसको थोड़ा सा मतलब शायद धूल वगैरह इसके अंदर जम चुका होगा, जिस वजह से दिक्कत आ रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैंने देखे, लेकिन मैंने अभी तो कोई भी ट्रिक अपनाया नहीं। सिवाय हाथ में इसके कैमरा को मैंने मूवमेंट किया। मेरे को लगता है जो मतलब गिम्बल है वो सही है, लेकिन किसी वजह से स्टॉक होके रखा है। क्योंकि देखो मैं अगर इसको ऑन करता हूँ ना, तो आपको पता चलेगा ये सही से काम कर रहा है। तो देखा आपने, ये मूवमेंट कर रहा है, लेकिन मैं अगर इसको टिल्ट करता हूँ तो ये नॉर्मली स्टेबल रहता था। मतलब ऐसे अगर मैं नीचे करूँ तो कैमरा ऊपर आ जाता था, अगर ऊपर करूँ तो कैमरा थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाता था, अगर साइड में लूँ तो ये गिम्बल का काम रहता है। लेकिन देखो ये ऑन होने के बाद ना ऐसे ही रह जाता है, बाकी कुछ हिलता वगैरह भी नहीं है। अगर मैं रिमोट भी यूज़ करूँ ना तो भी ये काम नहीं कर रहा है। अब कि ये घर पे ही ठीक हो जाए अपने आप से, क्योंकि बाहर जाके केयर, मतलब केयर जाके इसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। एक तो मेरे को पता भी नहीं है इसका केयर है किधर, और ऊपर से अगर जाऊँगा तो पैसे भी खर्चे होंगे, पैसे तो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, तो पता नहीं क्या करूं इसको। बाकी इसके बाद मेरा जो GoPro है वो भी ख़राब हो गया है। मतलब बोला था ना मेरा किस्मत ही ख़राब है।
2023 मेरा अच्छा नहीं जा रहा है एक तरह से। और GoPro का इशू ऐसा है कि वो आज नहीं, मतलब काफी टाइम पहले से ही वो इशू आ रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है ना, उसका जो रिकॉर्डिंग बटन होता है वो ऊपर का होता है, जो पावर ऑन ऑफ बटन हो साइड पे रहता है। तो पता नहीं उसका बॉटम का इशू है या अंदर सॉफ्टवेयर का इशू है। मैं जब भी उसका मतलब ऊपर का रिकॉर्डिंग बटन डायरेक्टली ऑन करता हूँ ना, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो सेटिंग वगैरह ऑन हो जाते हैं। और कभी कभी अगर रिकॉर्ड बटन ऑन भी हो जाए तो वो मतलब मान लो कि 10-15 सेकंड के रिकॉर्ड होगा और उसके बाद अपने आप भी बंद हो जाएगा। बाकी जो मेरा मेन कैमरा है, ये कैमरा है जिसमें अभी मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये अभी तक सही है, सब कुछ ठीक है। छोटा सा दिक्कत है, मतलब हो होते ना छोटे छोटे प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत देते हैं, इसी तरह का एक सीन है। इसके ऊपर एक लेदर का कोटिंग पड़ा है जो कि अभी पता नहीं कैसे हो अपने आप ही निकल जा रहा है, और निकल ऐसे रहा है कि मैंने उसको फेबिक क्विक दे के मतलब जोड़ना चाहा लेकिन हो भी नहीं हो पाए। चलो ये छोटी बड़ी चीज़ें तो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे, या इसको रिपेयर करने का तो आइडिया है मेरे पास, लेकिन जो मेन दिक्कत है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है। वो है जॉब, कैसे करूँ क्या करूँ कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ अभी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और उसी कन्फ्यूजन में दिमाग ख़राब हो रहा है। तो ठीक है, वो भी मतलब टाइम आने पे हो जाएगा या नहीं होगा वो भी मेरे को नहीं पता। बाकी YouTube से उतना ज़्यादा पैसा नहीं आता, सब लोग बोलते हैं बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, मेरे को उतना ज़्यादा पैसा नहीं आता। बाकी अभी चल रहा है, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट है वीडियो बनाने में, कभी कभी मज़ा आता है। बाकी ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो इन द कैमरा ऑफ द कैमरा बहुत मज़े किए हमने, तो अभी टाइम आता है थोड़ा सा मेहनत करने का, तो चलो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं।